अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं लाइव विद बिलाल यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी अर्सा हो चुका है कि मैंने कुकिंग नहीं की मेरे इस चैनल में। बाहर जा जा के फिर फिर के मैं तंग आ चुका हुआ था। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना आज कुकिंग के रिलेटेड व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी अर्से से मेरी ख्वाहिश थी कि एक सीरीज़ का आगाज़ किया जाए जिसमें यूँ हो कि मैं कुकिंग करूँ कोई रेसिपीज़ जो आमना की हो, उससे उसको सीख के, और मेरे साथ कोई होस्ट भी करे। तो गेस करें वो होस्ट कौन है। तो जो होस्ट है वो तशरीफ लेके आ रहे, बताओ कि आज हम क्या बना रहे हैं, कौन सी रेसिपी बना रहे हैं। मैंने बताना कि तुमने बताना है? अच्छा, मैंने बताना है। आज फर्स्ट है ना, इसलिए मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि मैं जो बनाएगा वो बताता है, होस्ट भी बताता है। ठीक तो है, बताओ क्या तो बना आज हम बना रहे हैं दम बिरयानी, जबरदस्त किस्म की। अच्छा की हाँ, फॉलो हाँ, की है ना। अच्छा ये रेसिपी जो है ना मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो रेसिपी बनेगी, तो आज हम बना रहे हैं दम बिरयानी। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको मोबाइल से दिखाता हूँ इस तरह करके। दम बिरयानी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 ग्लास मतलब के हाफ के जी हमने चावल लिए हैं, बासमती राइस हैं, इसको हमने आधा घंटा पानी में भिगो के रखा हुआ है। उसके अलावा हमने यहाँ लिया है हाफ के जी चिकन, हाफ के जी चिकन है, और साथ है यहाँ पर अदरक लहसुन, अदरक है 3 मतलब के छोटे छोटे उसके टुकड़े, और यहाँ पर 10 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं, और 2 हरी मिर्चें हैं, और इसके अलावा 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं साबत वाली, और इसके अलावा 2 बड़ी इलायची हैं काली वाली, और 3 सब्ज इलायची हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 बादियान के फूल हैं, और 10 लौंग हैं, और 2 तेज़ पत्ते हैं, और इसके अलावा 2 अदद जो है ना वो प्याज हैं, और यहाँ पर 1 कप दही का बड़के, और चंद मतलब के थोड़ा सा हम यहाँ येलो कलर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हरा धनिया और पुदीने के चंद पत्ते हैं, और केवड़ा आसन है उसके चंद कतरे हम यूज़ करेंगे। तो ये थे इंग्रेडिएंट्स। ऑयल रह गया? हाँ, ऑयल तो लाजमी है ना, ऑयल तो लाजमी है, ऑयल तो यूज़ करते ही हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हाँ ऑयल आ गया, तो इसमें 1/2 कप ऑयल जाएगा, तो इसको साइड पर रखते हैं, और सबसे पहले प्याज को कट कर लेते हैं। तो ये रहा कटिंग बोर्ड, ये मैं चीजें उठा लेती हूं। हाँ, ये चीजें साइड पर कर दो। तो सबसे पहले हम प्याज को कट कर लेंगे, और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूं। तुम ये ना करो, तुम यहाँ से वीडियो बनाओ, यहाँ से क्लोज, क्योंकि लोगों को दूर से नजर नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी से काटें। ये मैं रखा। तो प्याज को हमने कट कर लिया, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। इसे अभी वाश करके रख दूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पतीला लिया इस तरह का, तो इसको साइड पर करते हैं और फ्लेम को ऑन करते हैं। तो फ्लेम ऑन हो चुकी है, तो फ्लेम ऑन कर लिया हमने, और यहाँ पर हम इसको रखेंगे और फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम, मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे ऑयल, तो ऑयल हम इस तरह डालेंगे इसमें, ये देखें, आपको क्लोज भी दिखा दूँ साथ, इस इतना डाल देते हैं। प्याजों को हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो आयशा पीछे लहसुन और अदरक को ग्राइंड कर रही है, पेस्ट बना रही है उसका। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्याजों को गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई। आयशा ने अदरक लहसुन को पेस्ट बना लिया उसका। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि जो, हाँ नहीं नहीं मैं दिखा दूँ ना इनको, ये देखें, मुझे भूख लगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ, लेके आओ लेके आओ। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्याज है ना हमारे पास गोल्डन ब्राउन होने ही वाले हैं, बस ये देखो भुने हुए चने। तो ये देखिए भुने हुए चने,
आयशा चुरा के खा रही है, भूख लग गई है मुझे, अभी सुबह कुछ नहीं खाया मैंने। चलो खाओ, इसको उठा के हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। इसको निकालेंगे और इससे बाहर, आयशा को पता ही नहीं है, इसको हम मतलब के बाहर नहीं निकालेंगे। कुछ लोग निकालते हैं। हाँ, जरूरी नहीं, क्योंकि हमने ऑयल के अंदर ही इसमें सारी चीजें ऐड करनी है, तो जरूरी नहीं। अब ये एक बात आपने माइंड में रखनी है, तो जब आप दम बिरयानी बना रहे हो ना, तो मतलब गरम गरम ये प्याज है, ऑयल है, इसमें डायरेक्ट आपने चिकन और दही में भी डाल दी, अभी ठंडा थोड़ा करना है, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल करेंगे, फिर इसमें चिकन और सारी चीजें डालेंगे। हाँ, अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा, उतनी देर हम बातें करते हैं। आयशा बातें, आयशा को बातें करने का बहुत शौक है, तो बताते हैं। हाँ, अब इसको बातें करने दें, बताओ आयशा, बोलो। अब आयशा को फ्री हैंड दे दिया, जो मर्जी बोले। पूछो मेरे से। मैं अब पूछे, पहले हम आपसे पूछते हैं कि बोली जाती है, बोली जाती है, जाओ जो मर्जी करो जाके, बोलो। चने खाओ। बचपन की बातें बता रहे थे, आयशा ने बचपन में सिखाया, जब तीनों छोटे थे मुझे कुकिंग का बहुत शौक था, बिलाल को भी, रामना को, हम तीनों मिलके, मैं बताता हूँ, मुझे रामना को था और बिलाल को खाने का शौक था। मैं भी छोटा था तो हम तीनों पैसे मिला के ना रेसिपी बनाते थे, आयशा वो पकाती थी। हाँ। आमना नहीं पकाती थी उस वक्त, आयशा पकाती थी तो, और आमना हेल्प करती थी साथ। कुकिंग ज्यादा अच्छी हो गई हम दोनों की, गलत बनता था बचपन में ना, इनको ना आंगन वगैरह को चलाना नहीं आता था, तो मैंने इनको सिखाया कि आंगन वगैरह किस तरह चलता है, इनको समझ नहीं आती थी, इनसे बेकिंग गलत हो जाती थी, तो मैंने इनको सिखाया। फिर बिलाल जो चीज करता है वो ठीक हो जाती है। नहीं नहीं, वो टेक्निकल पॉइंट होते हैं ना, जो मतलब ये समझ नहीं आते, अक्सर ख्वातीन को समझ नहीं आती, पर हम तीनों ने मिलके सीखा था। और आमन भी जो था ना, वो बहुत ही ज्यादा गैस खराब था, मतलब गैस का ओवन था, गैस का ओवन था, उसमें समझ नहीं आती थी, तो उसी गैस वाले ओवन से आमन ने आपको कई रेसिपीज बनाना सिखाई। हां, वो मिलियंस में है, वो इतना मुश्किल था कि उसको ना देखना पड़ता था कि ब्राउन हुई है चीज, बेक हुई है, ऊपर से लाने के लिए ऊपर हाथ में पकड़ के बेक करना पड़ता है, इस तरह की बस इस तरह का था, बहुत मुश्किलें देखी हैं उसने। वो चाहती थी उसको इलेक्ट्रिक ओवन ले, पर जगह भी होती थी वहाँ उस किचन में, तो इस किचन में थी तो उसने ले लिया। अच्छा ठीक है, बड़ा खा लिया हमने, तो ये जो प्याज ठंडा हो गया तकरीबन, उतनी देर हम ना उसमें हम डालेंगे एक कप दही, ठीक है, चम्मच पकड़ लो, तो ये हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हाँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून, अगर आपका मतलब बना हुआ पड़ा हुआ तो आप 1 टेबल स्पून इसमें डाल लें। तो नीचे मोल रो रही है, क्यों रो रही है, शरारतें करनी है उसने, शरारतें करने का बहुत शौक है उसको, इस तरह। और उसको बंद करो ना, पहले उसको भी मिक्स करो। पता है मुझे, एक मिनट ठहरो, ये लड़के ना कहते हैं हमें सब पता है, कुछ भी ना कह देना, कह दो ना कि ये कर लो ये कर ले, हमें सब पता है, हमें सब पता है, हम सब पता है। आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएं कि क्या ये आयशा सच बोल रही है कि नहीं। लड़की मेरे साथ ही होंगी, सच बता रही हूँ मैं। बिलाल को भी कुछ कौन नहीं मुझे आता है, कभी नहीं कहेगा मुझे कुछ नहीं आता। लड़कियाँ लड़कियों के साथ होंगी, हम लड़कियाँ सच बोलती है, कह देती नहीं आता, पर ये कहती है नहीं हमें सब आता ही है ना, आता ही है, तो कारण हूँ ना मैं सामने आपके। इसमें हम डालेंगे, ये साबुन नहीं अभी डालना, पिसा, तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक या 2 टीस्पून भी आप कह सकते हैं, दोनों एक चीज होती हैं, तो ये टीस्पून है तो मैं इसमें 2 टीस्पून नमक डालूंगा। तो अनमोल भी आ चुकी है, ये नीचे ये देखें, अनमोल को चोट लग गई है, अनमोल चोट लगी है आपको, दिखाओ दिखाओ, शिदारते करती हो ना आप, क्यों करती हो। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे इस सावा साबुत धनिया, हाफ टी स्पून, तो ये हाफ टी स्पून में सूखा धनिया पीसा हुआ, साबुत धनिया नहीं, साबुत पीसा हुआ सूखा धनिया, मतलब के पाउडर,
एक तो ये धनिया है ना, ये वाला धनिया, ये धनिया है, हाँ। अब लाल मिर्च पाउडर है, हाँ लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें। इसके चम्मच का है, कितनी डालना है वैसे ही डाल देता हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं डालो, इसके जरा ही डालो। चलो हाँ, इसमें कितना डालेंगे हम, एक मिनट, 1 टीस्पून, ठीक है 1 टीस्पून इसमें हमने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे, तो अब इसमें हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अनमोल भी आ गई, ओए मोल आ गई, मोल आ गई, मोल आ गई, ये क्या हुआ? अनमोल हमारे बगैर रहती ही नहीं। चोट लग गई, क्या किया आपने, क्या लग गया, बेड लग गया, बेड ना, चोट लग गई, ओ इतनी जोर से लगी है। चलो चिकन डालेंगे अब हम इसमें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल लेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था ना, उसी बर्तन में हम ये सारा मतलब के जो है चिकन को मैरिनेट किया इसमें डाल लेंगे। कढ़ाई में आयशा कढ़ाई, हाँ जी, चलो अच्छी बात है। इसके ऊपर से जो ये इसकी होती है ना ये डंडियाँ, इसको काट लेते हैं। आमना नहीं काटती कभी कभी, फिर वो मुँह अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा आता है। तो छोटा छोटा काट देंगे हम, इसमें डाल लेंगे काट के। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, ठीक है, और धनिया और पुदीना भी इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरह, ऐसे करके ना हाथ से काट लेंगे इसको। और लास्ट में हम इस जो ये बिरयानी पकेगी ना, उसके बाद सबको टेस्ट करवाऊंगा मैं, सब घर वालों को देखेंगे कि फिर उसके बाद देखेंगे कि आमना क्या इसके नंबर देती है जब सब टेस्ट करेंगे। मुझे तो लग रहा है मिर्चें ज्यादा ना हो जाए, नमक भी नहीं, नहीं बहुत ठीक डाली है मैंने। तो ये आयशा कहती है कि बर्तन साफ साफ करो, जाओ करो, जाओ साफ, जो वॉश करो जाके। तो ये देखिए आयशा बर्तन किस तरह धो रही है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ आज। तो यहाँ पर आयशा बर्तन को साफ कर रही है और पानी बंद किया है, शुक्र है। लोग बहुत बातें करते हैं पानी ओपन किया हुआ आपने, जाया कर रही हो इस तरह, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं। हाँ, इसलिए ऐसा है। लेकिन फिर भी पानी की हमने हिफाजत करनी है ना, जाया तो ना करना। वो टैप उसी तरह के हैं, बंद नहीं होते, बंद भी होते ये इजी है, बल्कि आयशा को पकड़ो, ये इसकी बातें गलत हैं, ये इजी है, वो जो ऐसे घुमाते हैं ना हाथों से वो मुश्किल होता है, ये तो ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। वो ना मुझे और मैं बता रही थी कि आज 4 वीक्स के बाद मैं बर्तन धो रही हूँ। ओह फिर तो क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए फिर तो, क्लैपिंग। ये अनमोल देखेंगे गाड़ियाँ नीचे, ये देखें, ये देखें अनमोल क्या गाड़ियाँ नीचे, क्या गाड़ी हो आप, क्या गाड़ी हो, सारे खराब करेगी बर्तन, ये सारी चीजें बाहर निकाल लेती है, फिर इसको जमीनों पर ऐसे घुमाते हैं, फिर इसको इधर आ, चल चल बंद कर, हाँ बजा पटाई होगी, चल गंदा बच्चा। चावलों को बॉयल करेंगे, तो आयशा पानी लेके आओ, आयशा पानी लेके आएगी किसी बर्तन में। अब इसमें हम नहीं, सबसे पहले हम पानी को गर्म करेंगे, क्योंकि गर्म पानी में हमेशा वो डालना चाहिए चावलों को बॉयल के लिए, वरना आपके चावल जो है ना वो नीचे कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया। पानी पहले फ्लेम ऑन कर देते हैं ना, तो पानी को गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल, इसको ऊपर करके कवर कर देते हैं इस तरह करके, ठीक है। इससे हमने अक्सर ये आप सोच रहे होंगे कि हमने चावलों को पहले बॉयल क्यों नहीं किया, उसकी मेन रीज़न ये है कि जो दो रीज़न है इसकी, पहली रीज़न ये है कि जो हमारा चिकन है ना वो मैरिनेट हो जाएगा अच्छी तरह से, उसमें मसाले वगैरह रख जाएंगे उसके अंदर, और दूसरी रीज़न ये है कि जो चावल अगर हम पहले पका लेते तो वो ठंडे हो जाने थे, अगर ठंडे ठंडे चावल हम बिरयानी में पकाने के लिए डालेंगे ना तो वो फिर चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। ये दो रीज़न आप हमेशा याद रखें। ठंडा ठंडा मैं नहीं, ठंडे दो किस्म का ठंडा, एक होता है कि नॉर्मल ठंडा,
एक होता है वो ज्यादा ठंडा, ये दूसरी किस्म की बिरयानी है इसलिए दम बिरयानी है। दो किस्म का ठंडा है, एक तो होता है कि बिल्कुल ठंडा, जैसे हम चावल गरम 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 खाते हैं ना, उतना गरम होना चाहिए लेकिन उससे कम गरम नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आयशा पीछे बर्तन धो रही है तो पानी जो है ना वो गरम होना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक 1 टेबल स्पून, या जिसको हम 2 टीस्पून भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 टीस्पून इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून। मुझे पता है कि आयशा को पता है, ये नमक कम खाना चाहती है, नमक ज्यादा होना चाहिए। अब इसका शूट बनाओ यहाँ से क्लोज, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, मैं नमक डालूं, इसको पकड़ो ना यहाँ से, दिखाओ क्लोज करके, इस तरह इस तरह, ये बस बस इसे हिलना नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है आज बहुत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा झूंगा भी डाल दो, आज बिलाल ने कुछ ज्यादा ही नमक डाल देना है, फिर रोना है। कोई नहीं खैर है, मुझे ज्यादा नमक पसंद है, मिर्चें भी और नमक भी और मीठा भी, चीनी भी, और मुझे ना चीनी। हाँ, तुमने डाइट करनी है। हाँ, जिसने बंदे ने डाइट करनी है वो अपने बारे में सोचते हैं कि मैं जो कम खाता, ये डाइट नहीं होती, सब ने खाने हैं, जो सबको चीज पसंद है वो करते हैं, सब कुछ खाते हैं। अब इसमें ये चावल डाल देंगे, ध्यान से फर्स्ट टाइम बना रहा है बिरयानी, कढ़ाई केवड़ा भी डालते हैं, केवड़ा एसेंस सब डालते हैं जब चावल बॉयल हो के इसमें जाएंगे, फिर इसके ऊपर ये फूड कलर और केवड़ा एसेंस जाएगा। तो अब हम इसको बॉयल करेंगे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए, हमने इसको मतलब ये फुल बॉयल नहीं करना, हाफ बॉयल करना है, जैसे हम ना कहते थे ना कि हमने इसको एक कन्नी रखना है, एक कन्नी इस तरह, वो करने का मतलब होता है कि हाफ फ्राई, मतलब कि हाफ बॉइल, कच्चे कच्चे थोड़े थोड़े, क्योंकि इन्होंने पकना है दम में, क्योंकि इस बिरयानी का मेन पर्पस है दम बिरयानी, दम में पकने वाली बिरयानी। ठीक है, टाइम मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है टाइम मैं यहाँ से नोट कर लेता हूँ मोबाइल से। तो अब इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं, ठीक है, और हम देते हैं छोटी सी ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, तो हमें याद आया कि आलू बुखारे भी इसमें ऐड करेंगे हम, ज़रूरी नहीं है, अच्छे टेस्ट के लिए आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 4 अदर आलू बुखारे लिए हैं यहाँ, और फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ, फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। तो फ्लेम ऑफ हो चुकी है और अब पानी को हम खुश्क करेंगे इसमें से, तो इसको ज़रा ध्यान से पीछे जो पीछे, तो फर्स्ट टाइम मेरा मतलब मैंने कभी किया नहीं, ये खतरनाक काम है ये, नहीं मैं समझ गया, आ जाओ। तो पानी सारा खुश्क हो चुका है, चलते हैं, तो जल्दी जल्दी फटाफट इसमें हम डालते हैं, सबसे पहले आलू बुखारे ऐड कर देते हैं जो हम भूल गए डालना, तो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे, वीडियो ठीक बनाना ऐसे करके, ठीक है चावल ऐड कर देंगे। वाह, बड़े अच्छे चावल बने हैं, कुक हुए हैं, तो ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके इसको सारा निकल गए, ठीक है। आपने इसको ऊपर ही, हाँ लेयर लगा, लेयर नहीं है, पहले एक लेयर आप दूसरी लेयर आप, हाँ ऊपर उसमें ही सारा हरा धनिया वगैरह, और अब ऊपर एक और लेयर आया है, नहीं है वो लेयर ही हुई ना, वो भी है अच्छा, ना ठीक है चलो, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस, जिसको डालना आप ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहते डाल लें, नहीं डालना चाहते ना डाल, नहीं पसंद होती खुशबू, हाँ लेकिन हम सब घर वालों को बहुत पसंद है, हाँ हम सब को सब्ज इलायची पसंद, बस अब ये पूरी स्टोरी बताएगी, ये डालने तो मुझे ये इनको पसंद है, ये बिलाल ये कम डालते हैं, फिर अगर उनको नहीं पसंद फिर कम डालो, पर हमें तो पसंद है, नहीं फिर साथ चलना पड़ता है, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा सा कम डाल देते हैं, मेरे हाथ रंग रंगी हो गए हैं, रंग भरंगी हो गए हैं रंग। अब इसको इस तरह करना है कि आपने इसको ढक्कन से कवर नहीं करना, पहले इसके ऊपर फॉइल चढ़ानी है, तो फॉइल इसमें से निकाल लेते हैं हम,
ये आपको मिल जाती है इजी से सुपरमार्केट से, या जो जहाँ पर डिस्पोजेबल चीजें होती है ना, ये शॉपिंग बैग वगैरह शापर वगैरह, उनसे उस शॉप पर भी ये मिल जाती है फॉइल। और जो प्लास्टिक पेपर वो भी आमने चढ़ाती है, रैप प्लास्टिक रैप होता है, वो भी वहाँ से मिलता है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है, हमें भी पहले नहीं पता था जब हम छोटे थे। तो इसको इस तरह करके निकाल लेते हैं। आयशा पीछे बर्तन धो रही है। ठीक है, मैं इसको कवर कर दिया फॉइल से और इसके ऊपर हम रख देंगे ये ढक्कन ठीक तरह से, क्योंकि ये अंग्रेज भी अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये है कि आपका जो है ना वो भाप अंदर रहनी चाहिए, फिर दम बिरयानी पकेगी बिरयानी। इसको हमने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है, उसके बाद हम 25 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे, फिर हमारी दम बिरयानी जबरदस्त सी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम कर देता हूँ, ठीक है, ये मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है। तो 5 मिनट के बाद इसको बिल्कुल दम पर कर देंगे, मतलब कि लो फ्लेम, जो इतनी पिद्दी सी होती है फ्लेम वो वाली। अब तुम जाओ मैं जरा साफ कर लूं। तुम साफ करो, मैं यहाँ ही हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, 5 मिनट के लिए यहाँ हूँ ना, फिर लो करके। 5 मिनट तक मुझे ये बड़ा खुश हो सकता है। करो करो सब, ये चीजें रख दे पीछे 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 पीछे, ये भी रखो जाके, जाओ ये पहले चीज, पहले चीजें रखोगी फिर सफाई होगी ना, ये चीजें सारी रख के आओ। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे दम पर, जैसे करते हैं फ्लेम को लो कर दिया है, अब इसको पकाएंगे 25 मिनट के लिए। तो 25 मिनट के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो आयशा क्या करेगी 25 मिनट में? मैं बर्तन को ड्राई करके उनकी जगह पे रखूंगी वापस किचन आमना के सेट के बर्तन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं कैमरे को जरा बंद करके फिर रीस्टार्ट करूंगा, ठीक है, कि आवाज रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं। तो चलिए ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं, आ जाओ पीछे जो बस छोड़ दो, अब पीछे जो तीसरा कोई नहीं कर रहा, हाँ हमारी अब खत्म भी कर दो, ब्रेक हो गई है, ठीक है मैं काम कर लूं। तो हाँ भाई वेलकम बैक, तो हम वापस आ चुके हैं। तो आयशा अपने काम पर लग जाओ, ये पकड़ो, यहाँ से शूट करना है आपने, तो ये बेस्ट होना चाहिए हाँ ऐसे, चलो ये मैं इसको जरा देख लूंगी ठीक शूट करे ए यहाँ से। तो अब बारी है डिश आउट करने की बिरयानी। तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, फ्लेम ऑफ करके आप 5 मिनट के बाद इसको 5-10 मिनट के बाद इसको ओपन करें, क्योंकि उसमें हीट होती है ना, भाप बनी होती है, तो वो उस वजह से ना स्टीम होती है, जिसकी वजह से ना वो और ज़बरदस्त हो जाते हैं चावल। तो बिस्मिल्लाह करके इसको करते हैं, बिस्मिल्लाह। क्या बनेगा आज, ओ ज़बरदस्त जबरदस्त तो खुल जा सिम सिम तो बिरयानी रेडी है। तो अब इसको हम करेंगे मिक्स, तो इस तरह करते हैं इसको बिस्मिल्लाह करके। हाथ से करते हैं। दिखा दिया क्लोज शॉट्स, मैंने दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ठीक है, ओके खुद भी दिखा। तो ये बिरयानी बनाई है मैंने, इसको कवर कर दो, ठंडी हो जाएगी, सबने खानी है, जबरदस्त लग रही है, ठीक है, हमारे भाई ने बनाई है, हमारे छोटे भाई ने, बहुत जबरदस्त बनी है। चलो खा के पता लगेगा। सबसे पहले मैं खाऊं? नहीं तो धक धक। आयशा गरम बहुत है, इसमें मेरा कसूर है, मैं भी जरा टेस्ट करूं क्या है। जबरदस्त बनी है, कसम से जबरदस्त, बता नहीं सकती।
जबरदस्त बनी लगा। बिलाल ने नहीं, आमला ने बनाई है। लेकिन आप मेरे सामने सब कुछ आपके सामने मैंने पूरा व्यू दिखाया आपको बनाते हुए, आप ये नहीं कह सकते किसी और ने बना लिया है। मतलब आमला का टेस्ट है बहुत, क्योंकि मेरे से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि बिरयानी किस तरह की है। आमना से पहले मैं टेस्ट करूंगा और इसको छोड़ो, और इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, नहीं मैंने खानी है, देखना मैंने पीछे जाओ इस, देखता हूँ सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। वैसे डील रखने के लिए नहीं, मैं झूठ बोलती नहीं, मुझे अच्छी लगी है। मुझे क्या पता तुम्हें ना पसंद आए, पर मुझे तो आई है बहुत। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या, जो जो चिकन है ना वो बिल्कुल गल चुका है, जबरदस्त किस्म का, और थोड़ा थोड़ा सा इस तरह मतलब के गोल्डन भी है, जैसे होता है ना फ्राई फ्राई का, तो जबरदस्त था चिकन, जबरदस्त है। उसके बाद चावल भी खिले खिले हैं, ऐसे कारण नीचे गिर रहे हैं, सारे जुड़े हुए, नरम भी हैं और खिले खिले भी हैं। एक चीज है जिसकी मुझे कमी लगी है, नमक थोड़ा सा कम है चावलों में। ओह माय गॉड, इतना नमक है, ये पागल का सुता हुआ है। फील कर रहे हैं ना, फील नहीं, मैं कहती हूं मेरे लिए परफेक्ट नमक है। मैं ये नहीं मैं कह रहा, नमक परफेक्ट है सबके लिए, यानी कि ये नमक हर कोई खा सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पसंद है। मैं देता हूँ 10 में से 9, क्योंकि मुझे चिकन ब्रेड के लिए मार्क्स ठीक कम दिए थे, क्योंकि उसमें ना ब्लैक काली मिर्च बहुत ज्यादा थी, लेकिन मुझे पसंद है। अब हर बंदे की अपनी चॉइस है, मुझे नमक ज्यादा पसंद है, मैं मिर्च ज्यादा थी तो मैं इसको मार्क्स कम, मैं 9, मैं इसमें 10 में से 9 नंबर दूंगा इसको। अब आमना की बारी है, और अब बिलाल की दम बिरयानी को टेस्ट करने आएंगी इस घर की शेफ आमना, और हबाबी जो फूडी है अनमोल भी आ रही है शो के लिए, वो टेस्ट करके बताएगी कि बिलाल की दम बिरयानी कैसी। सबसे पहले अनमोल टेस्ट करेगी, अनमोल को बिरयानी बहुत पसंद है, वो ऐड आता है ना बिरयानी नहीं बनाई भाई, आता है ना, चलो टेस्ट करें, टेस्ट 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 ये हाथ से लगाता है ना। अगर ठीक बनेगी अनमोल कहेगी मैंने और खाने के नहीं, कहेगी खाने इसका मजा उसको पसंद नहीं है। वो बच्ची है उसको क्या पता हो, जैसे मर्जी बोल दे वो, ऐसा तो नहीं है। मजेदार है, अच्छी है, है और खानी है। ये देखो इसका मतलब अनमोल को पसंद आ गई है, वरना वो नहीं करती, वो छोड़ देती है जो चीज अच्छी ना लगे। तो जल्दी से आमना और भाभी आज आ जाओ, आ जाओ, हाय हाय हाय। अब आमना खाए, खुशबूएं आप तो खुशबूएं, हाय हाय। मैं तो यहाँ से निकलूं, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। अनमोल कैसे नंबर देगी, अनमोल आप बोलो कितने नंबर दोगी बताओ। अनमोल को बस एक, अनमोल को एक अनमोल बार बार मांगे इसका मतलब उसको पसंद आ गई। अनमोल हम डिसाइड करने कितने नंबर देंगे, अनमोल को एक नंबर बोलना है, 3 3 बस बोलना था। चलो हमोश हमजा नंबर डिसाइड करने, पीछे वो इतना बड़ा भी नहीं है, नंबर वो अनमोल को अच्छी लग रही है, ये खाओ। नंबर 10 में से मैंने भाभी देती है, पहले भाभी अनमोल को खाने दो, देती हूं 10 में से 9। सही, क्या चीज कम है बताओ, नमक कम है क्या? अच्छा मैं ना बिलाल कह रहा है नमक कम है, हां मैं बताती हूँ। अब मैं एक बात बताऊँ, आयशा और आमना को ना कम नमक ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, सच बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं आपको बताती हूँ, चावल परफेक्ट बॉयल हुए हुए हैं, मसाला भी परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ ये कमी है कि गोश्त में ना जो नमक है ना वो रचा नहीं हुआ, गोश्त में चावलों में नमक है, लेकिन चिकन की जब बोटी लेते हैं ना मुंह पे ये, तो नमक कम है। नहीं नहीं मैंने तो खाई है चिकन में, मेरा नमक ज्यादा है, लेकिन मैंने जो खाई उसमें नमक नहीं था, चावल में, चावल में नमक कम है, मेरा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। नहीं तुम मुझे तो कोई कम नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं चावल के अंदर नमक कम है, आमना ने अजीब बात की है, जो चिकन है उसमें तो ज्यादा नमक है। मुझे तो बिल्कुल नमक का नहीं पता चला, कोई गरम गरम खाया था इसलिए शायद नमक। आप ठंडा ठंडा खा लो, ठंडा ठंडा खा लो, बताओ। मुझे नमक कम ही पसंद है, कितने मार्क्स, नमक कम, अगर मसाला 7 जब आ रहा है, चावल परफेक्ट है,
ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। बहुत अच्छी बनी है। बिरयानी बनाना आसान काम नहीं होता, बिरयानी बनती है बहुत मुश्किल से, क्योंकि चावल सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा बता देती है, या तो सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर खड़े रह जाते हैं। इनको बोलने दो ना, चलो बोलो बोलो। अच्छा मैं आपको नमक इनसे पूछते हैं, नमक किसमें काम है, चिकन में क्या, राइस में? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि राइस में नमक काम है, नमक है ओवर, मतलब ज्यादा काम नहीं है, अगर बिल्कुल खाए ना जाए। ठीक है ठीक है, मतलब ये कि बीमार बंदा भी खा सकता है, ऐसे बीमार बंदों को इतना नहीं। एक लेकिन अनमोल को बहुत पसंद आई है, बहुत ज्यादा। अनमोल को भी नहीं कहती मैं, अनमोल के लिए अच्छी भी है, इसमें नमक मिर्च कम है, बच्चों के लिए अच्छी है। अनमोल के लिए अच्छी है, अनमोल वो है जो अगर उसको पसंद ना उसे। अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि राइस में नमक कम है और चिकन में ज्यादा, ठीक है। आयशा का किसी में नहीं ठीक, आयशा के लिए बिल्कुल ठीक है। आपने नहीं कहा कि चिकन में है, अब दोनों की राय मुख्तलिफ क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रही है। मसाले के साथ मिक्स करके खाओ। नमक की चिकन में काम में आके राइस में, जो इन्होंने कहा सब जब वो ठीक। मैं बताऊं नहीं, तुमने नहीं राइस में शायद काम है, राइस में काम है, मसाले बात है। आपदा को क्या हो गया आज, आपदा को क्या हो गया, आपने झूठ बोल रही है कि समझ नहीं आ रही है आपना को, समझ नहीं आ रही क्या हो गया आज। अब बताओ ये आपना ठीक हो गया, मैं बताऊंगा एक दफा समझदार है। नहीं नहीं बस ठीक है ठीक है, बहुत मजे की है, शायद मेरा दिमाग थोड़ा नहीं, एक और बात, जरूरी नहीं जो पकाने वाला हो वो खाने में जज करने में अच्छा हो, नहीं जज करने में अच्छा हो, जो जिनको खाना नहीं ना पकाना आता, जो वेले होते हैं उनको ज्यादा जज करना आता है। हाँ जैसे तो इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जो ये बिरयानी की रेसिपी, दम बिरयानी की रेसिपी बिलाल की अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन करते करें ना, और बोलने तो दो, लाइव बिलाल को सब्सक्राइब करें, लाइव दामना को भी करें, किचन भी दामना को भी करें, सबको करें, लाइव उमेर को भी करें, सबको करें। तो और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली हर न्यू वीडियो उसकी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो, मुझे इजाजत दीजिए, आयशा को भी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं, पूरा तो खत्म कर दे तो ये पहले बोल पड़ती है। तो इसी के साथ आप हमें इजाजत दीजिए, तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तो उस वक्त कुछ भी हो सकती है, ये मेरी बात सुनो, एंड तो कर दे दो। अच्छा। जब मैं एंड नहीं कर रहा होता वह बोल पड़ती है, अब बस चुप। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है वो मैंने क्या वीडियो, अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, चले अल्लाह हाफिज।